प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं नई स्टाफ नर्स तथा लैब टेक्नीशियन भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नई भर्ती मेरिट बेस पर इसमें सिलेक्शन होने वाला है। किस तरीके से आपको फॉर्म भरने हैं और कहाँ ये वैकेंसी निकली है, लास्ट डेट वगैरह क्या है, सब कुछ जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत आपको कंप्लीट मिलने वाली है। पूरा वीडियो जरूर देखें, अच्छा लगे, पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, नई स्टाफ नर्स भर्ती, तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, ये देखिए आपकी जो भर्ती है वो निकली है कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर। तो UTB अर्जेंट टेम्पररी बेस आधारित ये वैकेंसी है और इसके फॉर्म निकल गए हैं, ठीक है। डेट आप लोगों के सामने है दोस्तों 25/11/2020। COVID-19 संक्रमण में उत्पन्न स्थिति से निपटने के परिप्रेक्ष्य में 30 मेडिकल ऑफिसर, ठीक है, यानी डॉक्टर्स, इसके अलावा 50 GNF का निर्धारित शर्त पर जिला स्वास्थ्य कमेटी द्वारा वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर UTB आधार पर सिलेक्शन इसमें किया जाना है। तो दोस्तों, यही UTB की भर्ती है, ठीक है, और 50 पोस्ट हैं आपकी इसमें GNM की, ठीक है। तो 50 पोस्ट GNM की हैं। इच्छुक अभ्यर्थी स्वास्थ्य भवन केंद्रीय कारागृह के सामने मोहनपुरा जोधपुर। तो ये एड्रेस आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, स्वास्थ्य भवन केंद्रीय जो सेंट्रल जेल है रेलवे स्टेशन के पास ही है ये, ठीक है। इसी के साथ भी आपका जो जोधपुर वितरण निगम लिमिटेड का ऑफिस है तो उसी के साथ में है ये, वहाँ पर आपको ये जमा कराने हैं, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट। शैक्षणिक तकनीकी एवं अनुभव स्वयं द्वारा प्रमाणित छाया प्रति बंद लिफाफे में कार्यालय में रखे ड्रॉप बॉक्स में रखेंगे। तो दोस्तों, बंद लिफाफे में एक तरीके से जो फॉर्म जो हम पहले ऑफलाइन भरते थे, इसी तरीके से सारी डिटेल्स एक सादा पेपर पर आप लिख सकते हैं, अपना नाम, फादर नेम, जन्म तिथि, आपकी क्वालिफिकेशन, आपके RNC रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका एड्रेस, आपका पोस्टल एड्रेस, तमाम चीज़ें लिख करके सारे डॉक्यूमेंट, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर उनकी फोटोकॉपी और उन पर आपके खुद के सिग्नेचर कर कर के उनको बंद करके लिफाफे में, और ये जो एड्रेस दिया हुआ है उस पर भेज देना है, ठीक है। ये जो केंद्रीय कारागृह के सामने है, रेलवे स्टेशन के पास ही केंद्रीय कारागृह है, उसी के साथ ये आपका एड्रेस है, ठीक है, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर का। 28 तारीख तक इसमें भेजना है दोस्तों, जो परसों है 28/11/2020 शाम 6 बजे तक आपके फॉर्म यहाँ पे स्वीकार किए जाएंगे, ठीक है। आवेदक नाम, आवेदक पद के अनुसार उनके नाम के सम्मुख मूल दस्तावेजों के साथ गठित कमेटी के सामने उपस्थित होंगे, कोई यहां पर कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा। नियमित भर्ती प्रक्रिया के मद्देनज़र पदों में कटौती की जा सकती है, ठीक है, तो ये यहां पर क्या कहा गया है। और चिकित्सा अधिकारी का वेतनमान 56,000 रुपये होगा, नर्सिंग का जो है 7,900 रुपये पर मंथ का। अब देखिए, नर्सिंग के जो डॉक्टर के इंटरव्यू होंगे 2 दिसंबर को, और 3 और 4 को होंगे आपके GNM वाले अभ्यर्थियों के, नर्सिंग के अभ्यर्थियों के। 3 तारीख को ए से लेके एम तक जिनका नाम है उनके होंगे ए से एम तक, 3/12 को, और जिनका आगे एन से लेके जेड तक नाम है एन से लेके जेड तक उनके होंगे 4/12 को। समय ध्यान रखिएगा, प्रातः 10 बजे से, ठीक है। और देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित नवीन शहरी स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पूर्णतः संविदा आधारित विशेषज्ञ चिकित्सक भी इसमें लिए जाने हैं। तो इसमें दोस्तों विशेषज्ञ चिकित्सक, शिशु रोग, स्त्री रोग, फिजिशियन, तो 3 ये डॉक्टर्स के पद हैं। इनमें देखिए वेतनमान काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिया जा रहा है। चिकित्सा अधिकारी के 3 पद हैं, उनको देखिए 40,000 रुपये, इनको देखिए 1,00,000 रुपये पर मंथ। इनके इंटरव्यू होंगे जो होंगे दोस्तों 1 दिसंबर को प्रातः 10 बजे से। 2 वैकेंसियां हैं, तो GNM के यहाँ पर 50 पद हैं, डॉक्टर्स के यहाँ पर 30 पद हैं, और ये जो अलग से पद हैं 4 3 और 3 6 पद, ठीक है। तो ये
आपके अलग से हैं। इनके लिए 1 तारीख को उपस्थित होना है, 10 बजे समय सभी का सेम है, और 28 तारीख तक इसको भेज देना है फॉर्म को भर करके, जो ऑफलाइन जाया जाएगा आप खुद भी वहाँ पे जमा करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट भेजने के बाद आपके नाम के अकॉर्डिंग जो डेट दी गई है 3 और 4 दिसंबर की, 2 दिसंबर की, उसके अकॉर्डिंग इसमें शामिल हो सकते हैं। धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये यूटीवी आधारित भर्ती है, पल पल के अपडेट आपको इस चैनल पर दी जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को ऑन कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।